झारखंड राज्य की हेमंत सोरेन सरकार द्वारा राज्य में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए राज्य में 9 आईपीएस अधिकारी के स्थानांतरण के बाद देवघर जिले के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट को बनाया गया है। वहीं पुलिस कप्तान सुभाष चंद्र जाट ने पदभार ग्रहण करने से पूर्व देवघर बाबा बैजनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद निवर्तमान पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह से प्रभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कप्तान सुभाष चंद्र जाट ने कहा, जिले में विधि व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे। उन्होंने कहा, पुलिसिंग को व्यवस्थित किया जाएगा, फ्रेंडली पुलिस पब्लिक वर्क होगा। इधर निवर्तमान आरक्षी अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने कहा, जिले के लोगों से सराहनीय सहयोग मिला है। देवघर से ब्यूरो चीफ इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। देखिए, देवघर जिले में धनंजय सर ने बहुत अच्छा काम किया है। इनके द्वारा जो अच्छे कार्य किए गए हैं उनको आगे बढ़ाना, और क्योंकि समाज गतिशील है, पुलिस गतिशील है, तो उसमें समय के साथ जो आवश्यकताएं पनपेंगी उन आवश्यकताओं का निदान करना, उनको कैटर करना ही प्राथमिकता है। देखो, ये शहर बहुत अच्छा है, लोग बहुत समर्पित हैं और काम करने में बहुत अच्छा। कार्यकाल तो जज करना जनता का काम, आपका काम है ना, खुद से दान निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।